Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is your teacher, Simon Seem. Today we are going to read the poem A Tale of Two Cities, written by John Peter. In this poem, the poet tells us about the horrors of war. This poem tells us about the nuclear attack made by America. In Second World War, America dropped nuclear bomb on two cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki. They were completely destroyed, but they rose to the height of glory by their hard work and dedication. इस पोइम में पोइट हमें जंग की तबाहकारियों के मुतालिक बताता है कि जंग किस तरह इंसानियत को जख्मी और जिंदा दरगोर कर देती है. जंग के मनफी असरात ही इस पोइम का खासा हैं. Let's read out the first stanza. The poet tells that there are cries and wails everywhere. Everyone is crying and whining. People are helpless and are in a very sorrowful situation. Clouds of smoke are rising. Arms can be seen in these cities. America and its allies dropped a nuclear bomb on Hiroshima and Nagasaki, which destroyed the lives of the people of these cities. As a result of the attack, people were burnt and they were in a very pitiful condition. अगर हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ आएं, तो जरा हम इसके मतलब को समझते हैं. शायर कहता है कि जंग में हर तरफ धुआं और आहो बका चीखो पुकार सुनाई देती है और जंगी मशकें और उनका शोर भी मंजर का एक हिस्सा है. लोग जख्मी हैं और तकलीफ से करा रहे हैं. हर तरफ असला और बारूद बिखरा है. जापान के लोग इस हमले के सामने खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी. हमेशा एक्सप्लेनेशन को प्रेजेंट इंडेफिनिटनेस में लिखें और पोइम का सेंट्रल आइडिया जरूर लिखें. जैसा कि इस पोइम में हॉरर्स ऑफ वॉर को लाजमी मेंशन करें और उसके बाद गिवन स्टेंजा को डिटेल से एक्सप्लेन करें. आपको सेंट्रल आइडिया और पोइट का जो एक मॉरल मैसेज है उसको हर हाल में मेंशन करना है. थर्ड स्टेंजा. वो मीन गम, वो फुल गमगीन. शायर ये कहता है कि पहाड़ भी गम में डूबे हुए हैं. हर तरफ इंसानियत जख्मी है. तमाम चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं. लोग जिंदा हैं मगर इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं. जले हुए और जख्मी. उनके पास उनकी सिसकियों चीखों पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई उनकी तस्कीन और इत्मीनान के लिए मौजूद है. इन दीज लाइन्स द पोइट एक्सप्लेन्स द ड्रेडफुल इफेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन ह्यूमन बींग्स दैट इवन द माउंटेन्स आर इन ग्रेट पेन एंड एग्नी. ऑल द स्टोव्स हैव बिकम कोल्ड. देर इज नो ह्यूमन बींग लेफ्ट टू डू सो. द पोइट फाइंड्स नो वन अराउंड टू अपीज हिज पेन. नो वन इज देयर टू रिड्यूस देयर सफरिंग एंड कैटास्ट्रोफी. इस स्टेंजा में शायर हमें जंग की तबाहकारियों के मुतालिक बताते हुए ये कहता है कि जंग के हमले के नतीजे में तमाम फल फूल फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं. हर चीज बिखर कर रेजा रेजा हो चुकी है. लोगों को एटम बम ने मुकम्मल तौर पर कुचल कर रख दिया है. कुछ भी बाकी नहीं बचा. सब कुछ खत्म हो चुका है. हर चीज तबाह बर्बाद हो चुकी है. लेट्स सी. एज द पोइट मेंशंस द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वॉर ही सेज दैट ऑल द वेजिटेशन फ्लावर्स यू कैन से फाना एंड फ्लोरा हैज बीन डिस्ट्रॉयड. पीपल हैव बीन ग्राउंड बाय द मिल ऑफ वॉर. War has smashed and destroyed everything which made that place beautiful. Nothing is left behind to cherish. इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शायर कहता है कि जो जुल्म हिरोशिमा और नागासाकी पर ढाया गया, कोई इंसानी आंख उस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर सकती. धमाका इतना शदीद था कि वो अपने साथ सब कुछ ले गया. अमेरिका ने अपने गुस्से जंगी जुनून में
दोनों शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। जंग की होलनाक कैफियत बयान की गई है इस स्टेंजा में कि जंगी और एटमी हमलों में किस तरह इंसानी हकूक को बुरी तरह कुचल दिया जाता है। द पोइट सेज दैट वॉर इज सच अ डिटेस्टेबल थिंग दैट इट्स टेरर एंड डिस्ट्रक्शन कैन नॉट बी बॉर्न बाय एनी ह्यूमन साइट। कोई भी आंख इस जुल्म को नहीं देख सकती। दिस न्यूक्लियर अटैक टुक अवे द ग्लोरी स्प्लेंडर एंड ग्रैंडर ऑफ दीज सिटीज इन अ मोमेंट ऑफ ग्रज रेज एंड एंगर अमेरिका डिमोलिश्ड द मार्वलस सिटीज इन टू डेब्री। शायर कहता है कि ये सब कुछ किसी एक कौम के जंगी जुनून का नतीजा है जिन्होंने इंसानी हकूक की बिल्कुल परवाह न की और इंसानियत को जंग से दोचार किया। द पोइट सेज दैट अमेरिका इन हिज फिट ऑफ फ्यूरी अटैक्ड हिरोशिमा एंड नागासाकी एंड डिडंट केयर अबाउट ह्यूमन राइट्स। इट वायोलेटेड द ह्यूमन राइट्स एंड स्पॉइल्ड द लाइव्स ऑफ थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल। द पोइट सेज दैट कॉन्फ्लिक्ट अराइज बट दे शुड बी रिजॉल्व्ड बाय नेगोशिएशन रादर बाय डेडली वॉर्स। लास्ट स्टैंजे में शायर जो है जापानी कौम की अजमत को सलाम पेश करता है और कहता है कि अगरचे अमेरिका ने उनको मुकम्मल तौर पर कुचल दिया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी दो दहाइयों के अंदर वो दोबारा उभरे। उन्होंने अपनी इकॉनमी, अपनी मईशत को मजबूत किया और एक ताकतवर कौम और मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आए। हियर द पोइट अप्रिशिएट्स द डेडिकेशन हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द जैपनीज पीपल दैट विद दैट ग्रेट एबिलिटीज दे रोज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी ऑल्दो दे सफर्ड अलॉट दे बोर अलॉट ऑफ पेन ऑफ दैट ब्लैक डे बट दे रोज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी दे बिकेम सक्सेसफुल एंड दे प्रूव्ड दैट दे टर्न द एशेज इंटू समथिंग ग्रेट। कि उन्होंने जो उनके मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया, राख का ढेर बना दिया गया, लेकिन उसी राख के ढेर से उन्होंने उठकर दोबारा अपने मुल्क को तामीर किया और उसे एक मजबूत और ताकतवर मुल्क के तौर पर सामने लाए। इस नज़म में हमने जंग की होलनाकियों के बारे में पढ़ा। शायर इस नज़म के जरिए हमें ये पैगाम देता है कि मुल्की तनाजात को गुफ्तो शनीद के जरिए हल करना चाहिए, ना के जंगों के जरिए। दुनिया को पुरअमन जगह बनाने के लिए ज़रूरी है कि मसाइल गुफ्तगू से हल किए जाएं, ना के जंगों जदल के जरिए। थैंक्स अ लॉट।